वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 3 फेस पैनल था जिसमें ज़रा सी गलती की वजह से ये नहायत ज़ोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ। बेसिकली होता क्या है बुनियादी तौर पर कि नॉन प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो 3 फेस में हाथ डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान को भी ख़तरा होता है और सामने वाली चीज़ जो बंदा काम कर रहा होता है उसको भी सामान का नुकसान होता है। ये देखें, टीपी है जिसके नट आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये कितने बुरे तरीके से जल गई है, ये वायरिंग है, पूरी इंसुलेशन इसकी जल चुकी है, ठीक है। और ये वायर है, ये भी आपके सामने कितने बुरे तरीके से जल गई है, ठीक है। ये तो बाहर की साइड पे, ये टीपी 1, 2 और 3 तीन टीपियाँ लगी हुई हैं 3 फेस की, ये तीसरी टीपी है, ठीक है। और ये देखें, ये इस कदर जल गई है, इसके नट से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि ये टीपी क्या हाल हो रहा है। ये इसके नट, ठीक है। तो कभी भी काम करें, कुछ भी करें, हमेशा 3 फेस से ख्याल से काम करें और प्रोफेशनल लोगों से ही 3 फेस का काम करवाएं। सिंगल फेस का भी प्रोफेशनल से करवाएं, लेकिन ज़्यादा ख़तरा, जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है 3 फेस में होता है, जानी माली नुकसान हो सकता है। अब जिसने शख्स ने इस पर काम किया उस पर नहायती नुकसान हुआ है, काफ़ी झुलस गया है, तो उम्मीद है कि जब भी काम करें तो एहतियात से करें। उनका भी नुकसान हुआ है जिनका ये काम हुआ है। वायरिंग की इंसुलेशन देखें, पूरे बदतरीन तरीके से जल चुकी है। अंदाज़ा लगाएं उस शख्स का क्या हाल हुआ होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि प्रोफेशनल लोगों से काम कराएं, और ये है कि अपना ख्याल रखें और वायरिंग आपके सामने है, कभी भी काम कराएं 3 फेस का तो एहतियात से कराएं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।